तो फ्रेंड्स देखिए, आज पूजा शुरू हो गया है। आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग का पूजा में, थोड़ा टाइम लग गया साफ सफाई करने में। यहाँ 360 हाँ, ये देखिए अभी नहाकर स्टार्ट कर दिए हैं। अभी बड़ा वाला बाबू गया है नहाने, ये अभी महाराज अभी जाएंगे, नहीं मैं ना क्योंकि इनका अभी घड़ी आया है, तो घड़ी में लगे हुए हैं। नया नया घड़ी आया है, सुबह से लग गए हैं घड़ी में। और मेरा भी काम खत्म हो गया है, हम भी अब नहाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा धुलना है। किशमिश का पैकेट है नीचे नीचे ये। ये हम एडिट कर देंगे, तुम चिंता मत करो, हम तो फ्रीली बना, हम एडिट करेंगे इसमें से। चलो 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 जाओ, ब्रश करो। हाँ तो चलो फटाफट, भैया आता है तो नहा। क्यों नहीं नहाना है? अब नहीं नहा सकते हो, अब खत्म है। चोर नहीं, ये गलत बात। चलो डॉक्टर मना किया, बोले तो निकल नहीं जाओ। हम भी थोड़ा सा नहा लेते हैं ना, हम भी नहा लें कि हम भी आएंगे। पूजा कर लीजिए, ये भगवान का भोग लग रहा है। ये है मेरे कान्हा जी, ये देखिए कान्हा जी बैठे हैं। कान्हा जी का सेवा मेरा बड़ा वाला बाबू करता है, डेली नहलाता है। इसमें गेम्स भी है, लेकिन ये नहीं सुनते हैं। ये पहले करते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा भी बात नहीं सुनते हैं। कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा कान्हा जी मेरे कैसे लगे। तो मैं अभी पापा पूजा करने जा रहे हैं, पहले भोग लगाएंगे भगवान को, उसके बाद पूजा करेंगे। भोग में क्या क्या है? किशमिश और गुड़, और ये रहे हमारे प्यारे कृष्ण जी प्रसाद। और पापा पूजा करने जा रहे हैं, और मम्मी पोछा लगा रही है, जो कि ये रही। अच्छा लग गया है, बस थोड़ा सा तुम लोग गंदा कर दिए हो। गंदा नहीं किया है, अब क्या हो रहा है, अब टीका लगाया जा रहा है। कौन से भगवान को? कान्हा जी को लगेगा, सबका तिलक, सबका तिलक हो रहा है। ये लगा कान्हा जी को, अब लगेगा गणेश जी और लक्ष्मी जी को, और शिव जी को, शालिग्राम, विष्णु भगवान, गणेश जी, नहीं राम जी, लक्ष्मण जी, और हनुमान जी। और अभी भैया नहाने गया है, वो आएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे नहाना नहीं है। जो कि मम्मी कह रही है नहाओ, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं, क्या ना मम्मा? नहीं नहाना है। नहीं नहाना, अच्छा अब क्या करना है? इसमें जल डालना है, जी का पत्ता चढ़ाया जा रहा है सारे भगवानों को ऐसे। अब जल तुलसी के साथ
ओम कर्पूरण गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगिंद्रहारम सदाभसन्नमरदयारविन्दे भवनवाणी चैतन्यं नमामि। जय श्री रामचंद्र की जय। पुनस्तु हनुमान की जय। हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम कर्पूरण गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगिंद्रहारम सदाभसन्नमरदयारविन्दे भवनवाणी चैतन्यं नमामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिकरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय विष्णु। ओम जय विष्णु। ओम जय विष्णु। ओम जय विष्णु। ओम जय श्री रामचंद्र। पूजा करने के लिए ओम नमः शिवाय। 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 ओम जय विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बाहर जाया जाएगा। बाहर बाहर होगा पूजा। तो ये देखते हैं। रमनारण भवभय दारुणमनव कञ्जलोचन कञ्जमुखपद कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्पयगणितयमित चविनवनीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानौ तडितरुचिशुचिनोमि जनकसुतावरं मधुदीनबन्धुदिने सदा नवदैत्यवन्दनि कन्दनं रघुनन्दनानन्दकन्दकौसलचन्द्रदशरथनन्दनं श्रीरमुकुटकुण्डलतिलकचारुजारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि कलदल गंजनम मनुजाहिरा चहु मिलाऊ सोबरु सहज सुंदर सामरो करुणा निदान सुजान सीलु सने उजानत रावरो एहि बाति गौरी असीस सुनिसिया सहित हियार सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली
जान गौरी अनुकूल से हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मूल बाबंग पर कल लगे बोलो श्री रामचंद्र की जय पुनस्त हनुमान की जय। या कुंदन तुझारा धवला या शुभ्र वस्त्र आविदा या वीडावर दंड मंडित करिया श्वेत परमासना या ब्रह्मा संसार सारम जग इंद्र हारम। लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही है देवी जी, आज बनेगा लिट्टी और चोखा बैंगन टमाटर प्याज कट रहा है, मिर्च का अचार स्पेशल, लिट्टी चोखा, आलू उबला हुआ है, बैगन पका हुआ है, टमाटर पक रहा है, उसके बाद में खीर और सलाद। खीर अच्छा, खीर भी बनता है क्या लिट्टी पे? सारा चीज आज बनेगा, लिट्टी चोखा खीर सलाद। हमारा सैटरडे के दिन लिट्टी ही बनता है। और इधर वर्ल्ड कप का भी आनंद ले रहे हैं हम, इंडिया जीत रहा है। फर्स्ट क्लास जो है आज लिट्टी चोखा का आनंद लिया जाएगा। बेटा मेरा लगा हुआ है कुछ खाने के चक्कर में, कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को। लगा हुआ है वो क्या, तुम चौमिन लाने के लिए बोल रही हो उसको? हम नहीं बोल रहे। हाँ तो और कौन बोल रहा है? उसको मन था कुछ खाने का। हाँ बिल्लिया के भागे से घर में टूट गया। पापा जाएंगे ही नहीं तो हम क्या करें? पापा किस लिए जाएंगे? हाँ तो ले गए तो बोलना चाहिए ना इसको कि हमको क्या खाना है नहीं खाना है। हम मना किए थे क्या इसको? हाँ 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 बेटा अपने आप खा लेता है, बेटा नहीं खाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ 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 हम नहीं समझते ना, आपको नहीं लगता है। हाँ गए काम के लिए, जल्दी जल्दी भागे। पिज्जा मंगा रहा क्या? ज्यादा नहीं मंगा, मंगा लो पिज्जा ही मंगा लो। लेकिन फिर ये लिट्टी कैसे खाओगे यार तुम लोग? इतना कैसे, कहाँ कौन से पेट में खाओगे? ये कूट करके डाला करो, कूट के डालने से ठीक रहता है। चलो लेकिन वैसे सत्तू में काट के ही डालना चाहिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारा सबसे बढ़िया प्रिय भोजन है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा अगर वो काम नहीं करता है कभी कभी सर्वर, लिट्टी चोखा सबसे मेरा फेवरेट भोजन है। कहीं भी मिल जाए पूरे दिन रोज, एक दिन गैप करने की जरूरत नहीं, खाली लिट्टी ये चोखा बनाओ। हम खा जाएंगे, हम रह जाएंगे। हम बोल रहे थे बनारस में, बनारस में लिट्टी चोखा, वो बनारस में इतना सा उसमें भर देता है सत्तू बाटी चोखा, वो ऐसे ही नाम का है खाली, कुछ नहीं है। ऐसे बनेगा क्या वो? ऐसे बना के देता है क्या वो? बरियारी तुमको खाना है वही लिट्टी चोखा। मैं खाने का टाइम हो जाएगा अब भाई, उसके बाद फिर हम नहीं खाएंगे। अगर तुम लोग ले आओगे भी तो तुम लोग अपना खा लेना, हमको जरूरत नहीं है। पहले बताते हैं हम, क्योंकि लेट ले आओगे तो फिर खाना हम कब खाएंगे और कब करेंगे? इधर ही खालना, पीछे ना, पीछे वाले गेट पे ना। इसको लिट्टी नहीं खाना है, इसी के लिए कर रहा है। भूख लगा तो कुछ बना के दे दो। बोले शाम को ही बोले कि डोसा बना देते हैं, तो बोला कि नहीं। We have been in coma for 19 days. 19 तोड़ तोड़ के हरी मिर्ची अब मिक्स हो गया, प्याज मिक्स हो गया है इसमें, धनिया मिक्स हो गया है और सत्तू है और लहसुन डल गया है।
अभी हरी मिर्च कट रहा है, हरी मिर्च अभी मिक्स हो जाएगा। चोखा में भी डालना हो मसाला वाला मिर्च, सबसे टॉप का लगता है ये लाल मिर्च का अचार जो है, इसका जो स्वाद है एक अलग ही है इसका चोखा में डालने के बाद। अदरक डलेगा, ये डल गया इसमें अदरक। पूरा नींबू डालना है, अजवाइन मंगरेल और डल गया इसमें, देखिए इतना मसाला डल गया है। अभी एक आइटम बस वही अचार का तेल भी डाला गया है, ये है नींबू डाला जा रहा है अभी। दो नींबू तो कम से कम डालना ही पड़ेगा, तुमसे दब नहीं रहा है पूरा यार, हाथ से दबाओ, हाथ से वो नहीं निकल रहा है, पूरा रस नहीं निकला है। इसमें रस नहीं था, इसमें लग रहा है। हाँ 190 पे आउट हो गई पूरी पाकिस्तान, 20-25 ओवर में भी गया, 20-20 की तरह खेल रहे हैं। बस डर है कि पूरी टीम ना, इसका छिलका पतला है, इसका छिलका मोटा था इसलिए इसमें कम रस था। पापा कौन दो आउट हुए, कौन दो आउट हुए पापा, कौन दो इंडियन, ये विराट कोहली और वो क्या नाम है इसका, गिल, सुमन गिल। लोग लग रहा था विराट कोहली का चांस होता, लोग बोल रहे थे सुमन गिल इतना अच्छा खेलेगा, उतना अच्छा खेलेगा, मैं बोला कि नहीं खेलेगा, बांग्लादेश रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा फॉर्म में, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, कपिल सर देव को और डाल दो अभी, कौन सा ये असली मेन चीज जो स्वाद को बदलेगा वो ये है अचार का तेल, यहाँ अचार में जो तेल होता है उस तेल को इसके अंदर डालते हैं मसाला के साथ में। और ये देखिए ये मिर्च का अचार है, इसका मसाला, असली मेन चीज स्वाद जो बनेगा वो इसी से बनेगा। अब डलेगा इसमें नमक, ये इधर बन रहा है चोखा, टमाटर और आलू और बैंगन, आलू बैंगन और टमाटर। निहाल सिंह भी अपना योगदान कर रहे हैं, अभी खेल के आए हैं, पैर धोए नहीं, अभी जाओ फटाफट धो लियो, उसको फोन कर दो पूछ लेते हैं आपके साथ कहां गया है, वो बताओ कप्तान के खाने के लिए गया है, हम नहीं भेजे हैं, हमसे मत बोलना, कौन भेजा है, मम्मी भेजी है, मम्मी जानती है, नहीं भेजेंगे मेरे को, नहीं मतलब मेरे को नहीं कहोगे, मैं को तो थे बस फोन को लेकर ये एक तरफ सत्तू तैयार हो गया और एक तरफ चोखा भी तैयार हो गया। फोन
मामा फोन भैया ले गया है, भैया का फोन नहीं आया है। ढूंढो उसका मोबाइल, वही होगा। नहीं है ये कच्चा तेल हमारे यहाँ ही केवल चोखा में डाला जाता है, नहीं तो लोग फ्राई करके डालते हैं, चाहे जैसे डालते हो। कच्चा तेल ये यूपी बिहार में यूज होता है ज्यादातर, है ही भोजन ही यूपी बिहार का है। ये सब तो तैयार हो रहा है, जो मेन चीज है लिट्टी का। कम पड़ेगा, बढ़िया है, ज्यादा है तो क्या दिक्कत है, कल सुबह भी बनाना हम कहेंगे। अरे रन दो, हो गया, नहीं तो अच्छा हम लोग को खाने में अच्छा लगेगा। अच्छे से मिलाया जाए थोड़ा बढ़िया से, तभी इसका टेस्ट बनता है। कुछ भी खाना, सब तो तैयार हो गया। चोखा का आलू छिला जा रहा है, बाकी चोखा में आइटम डल गया। ये है चोखा का आइटम, अब बस आलू को स्मैश करके उसके साथ मिक्स करके चोखा बन जाएगा, बनेगा चोखा। चोखा बन रहा है, स्मैश किया, मिक्स किया जा रहा है, टमाटर और सब प्याज, टमाटर आलू बैंगन प्याज लहसुन मिर्ची, और ये किस लिए है, दोनों प्याज और एक खीरा। सलाद बनाएंगे उसका, सलाद फिर उसके बाद अच्छे से बन जाएगा खाने के टाइम, तब खाया जाएगा, तो फिर आपको दोपहर दिखाएंगे हम लोग का। अभी गाँव में बनता है वैसे, हाँ अभी आटा रखा हुआ है अंदर ही बन के, बस अब उसको मिक्स हो जाएगा, चोखा बन जाएगा, तो उसके बाद सीधे आटा के साथ आटा और उसका काम होगा, सत्तू का ना, उसके बाद आटा और सत्तू का ही काम रहेगा, और किसी चीज़ का काम नहीं रहेगा। चोखा लग रहा है देखने में ही इतना अच्छा, अपने लिए मोमोज ले आएगा, मोमोज खा रहे हैं निहाल सिंह। कैसा लग रहा है जी मोमोज, इनकी मम्मी भी खाई है। मम्मी कैसा निकले, मुझे पहली बार बाहर का अच्छा लगा। कैसा है मोमोज, लिट्टी का सारा तैयार हो गया, माल चोखा ये तैयार हो गया है, ये सत्तू तैयार हो गया है, वहाँ आटा रखा हुआ है, अभी यही गोल गोल बनेगा, और ये सलाद के लिए कट गया है, लिट्टी चोखा और रायता बना रही हो ना, हाँ रायता बनाओ, रायता लिट्टी चोखा और रायता। मोमोज खा लिए, निहाल सिंह खा रहे हैं मोमोज। Last word,
इसके ऊपर बटर है, बटर से बटर स्टैंड में डाल के दो। खोल लेते हैं तो बेटा थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दो उसको, काट लेगा प्याज वो। अरे लो तो दे दे, दे काट देगा बोल रहा ना। तब तक तुम बनाओ इसको। अरे यार भरो तुम, काट लेगा वो, काटने में क्या दिक्कत है। ये रायता बन रहा है स्पेशल बम सिंह। ये क्या है? रायता मसाला। चम्मच ले आओ मिक्स करने के लिए। थोड़ा सा पानी डालो, मुझे लग रहा है ज्यादा गाढ़ा है। इसमें क्या क्या डाले हो? खीरा, प्याज, टमाटर, मिर्चा। खीरा, प्याज, टमाटर, मिर्चा। इसमें नमक डाल दिया जाएगा। रायता तैयार। हमास ने पिछले शनिवार को यानी 7 तारीख को इसराइल को निशाना बनाया था, जिसमें लगभग 1300 लोग मारे गए थे। 3000 से ज्यादा लोग इसराइल में घायल हुए थे। इसराइल ने निर्णय कर लिया है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए इसराइल की सेना अब गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अंदर घुस के आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगी। न केवल टैंक और पत्थर बंद गाड़ियां बल्कि बड़े बड़े बुलडोजर भी सड़क के पास लगाए गए हैं। बुलडोजर क्यों? क्योंकि कोशिश ये है कि जिन सुरंगों में हमास के ठिकाने हैं, जो हैवी अर्थ डिगर्स है, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करके उन सुरंगों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। जेसीबी मशीनों से पूरा मलबा हटाया जाएगा। सुरंगों का जाल है जो हमास ने अभी कवच तक था। पूरी गाजा पट्टी की कोशिश ये है, अरे आप नष्ट कर दिया जाए कम से कम 4 किलोमीटर। अरे छोटा मोटा स्टेप्स भी तो मिलता है, काम करता है। मैं चलता हूँ एक दिन में कम से कम, मेरा 6 किलोमीटर हो जाता है शाम के। 6 किलोमीटर तो ज्यादा ही होता है मेरा। 4 किलोमीटर तो मेरा हो जाता है सुबह का जो जाता हूँ उसी में, बाकी पूरे दिन में हो जाते हैं 2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कम से कम आपका 10-12 हजार होता होगा। नहीं कभी कम हो गया। रायता बन गया। पानी ऐसा हो गया, भाड़ा है। बस गाढ़ा थोड़ा सा। और रायता मसाला बहुत ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़्यादा कैसा होता है? बेटा बना लिया है, अब इनकी मम्मी का जो है योगदान आ रहा है। नमक हो गया ना? नहीं उठा के फ्रिज में डाल दो। मम्मी भैया की गलतियाँ देख रही है। मैं क्या क्या गलती की देखा। रायता लाओ इधर। मस्त रायता बन के तैयार हो गया लिट्टी के साथ। रायता लिट्टी के साथ रायता भी चलेगा। रायता आटा में भी नमक मिक्स किया है ना, मिक्स किया है और अजवाइन और नमक मिक्स किया हुआ है आटा में।
नहीं नहीं बना दो, बना दो, यही बना, एक बार बना के रख दो। धीरे धीरे पकता है। हाँ तो थोड़ा सा जैसे बना दो और उसके बाद वहाँ रख के फिर इधर आ जाना। फाइनली लिट्टी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए क्या क्या है लिट्टी में, चोखा है, खीर है, रायता है, लिट्टी है। ये निहाल सिंह ने शुरू भी कर दिया, उद्घाटन शुरू कर दिया। बहुत सुंदर। ये तो बहुत गुस्सा है मेरा बेटा, खा रहा है लेकिन चलो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।